इज ऑनर, लोग तुम्हारे पैर छूते हैं और खुशी से अपने आप को स्टार समझते हैं, कहते कि मैंने पद्म भूषण छुआ है। भाई छोटू, सोनू निगम को प्रताड़ित करना छोड़ दे। सोनू निगम जो है ना, वो गॉड ऑफ संगीत है, गॉड ऑफ म्यूजिक है, सर से पांव तक गुणों से भरे हुए हैं, अच्छे इंसान है, तन मन धन फन सब कुछ दिया ईश्वर ने उनको, ठीक है। वो किसी कंपनी के, किसी स्टार के, किसी इंडस्ट्री के मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, अपने आप में एक स्टार है, अपने आप में एक कंपनी है। और ये मत भूलना मेरे भाई, टी सीरीज की शुरुआत जो है वो कवर वर्जन से हुई थी। आदरणीय गुलशन कुमार जी ने टिप्स, HMV, वीनस और उसके जितने जो कैसेट कंपनी थे, सबके गाने डब कर करा के, कवर वर्जन बना बना के मार्केट में बेचे थे, अपने अपना टैग लगा के, टी सीरीज का नाम लगा के। तब कहां गई थी तुम्हारी इंसानियत, तब कहां गई थी तुम्हारी शराफत? चोरियां कर करके तुमने अपनी तिजोरियां भरी है और तुम बात करते हो, पॉलिटिक्स करते हो, सोनू निगम को उल्टा सीधा बोलते हो। सोनू निगम जिसके दीवाने हजारों हैं, जिनके गाने गा गाकर कई लोग अपना घर चला रहे हैं, मेरी तो शुरुआत ही उनके लाइव शो से हुई थी। उन्होंने मुझे सिंगर, मिमिक्री आर्टिस्ट बनने में हेल्प की, कॉमेडियन बनने में हेल्प की, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी का तौर तरीका सिखाते थे, मुझे वो एंकरिंग सिखाते थे, एंकर और कॉमेडियन जो है वो मैंने उनके शो से सीखा है। आज क्या हो गया तुम लोगों को, कंपनी की आपस की लड़ाई कर रहे हो तुम लोग? जो टी सीरीज आपका जो अंधेरी में है, वहां मैं एक साल लगातार स्ट्रगल कर रहा था कॉमेडी के लिए, मेरा वीडियो ऑडियो बन जाए, जब राजेश श्रीवास्तव जी का हिट हुआ था तो ऑडियो बन जाए, इसके लिए मैं मुकेश तोमर के तलवे चाटता था, धक्के खाता था, कोहली के ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं कराते थे, बोलते थे आया करो, नीचे से रिसेप्शनिस्ट फोन करती थी, सर वो मुकेश तोमर जी, वो सुनील पाल आया, हाँ ठीक है बिठाओ, दो घंटा तीन घंटा चार घंटा बिठाते थे और मैं पैदल भूखा पैसा निकल आता था, ना कोई पानी के लिए पूछता था, ना कोई चाय के लिए। ये तो आपके साथ में, ये आप तो कलाकारों के साथ में, आपका ट्रीटमेंट तक काम मांगने आने वाले कलाकारों के साथ में, क्यों भाई? क्या देवता थे, भगवान थे? आपके बाहर वो मंदिर था शिव जी का, उसको प्रणाम करके बाहर निकल आता था मैं। फिर भी गुलशन कुमार जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, जीरो से हीरो बनाया हुआ आदमी, उनको मैं भगवान मानता हूं। और वो टी सीरीज के दीवारों को अभी भी कई अवसर से गुजरता हूं तो गाड़ी से उतर के छूता हूं, प्रणाम करता हूं, इतनी इज्जत तो टी सीरीज की भूषण कुमार तो खुद नहीं करता होगा, बात कर रहा है। प्यार झुकता नहीं से टी सीरीज दुनिया में नंबर वन हुई थी। कभी शब्बीर कुमार को बुलाया आपके घर पे, कभी थैंक यू बोला उनका? शब्बीर कुमार जी के लिए आपके दिल से कभी थैंक यू निकला? लता मंगेशकर जी के लिए कभी थैंक यू निकला आपका? ये सोनू निगम का गाया गाना हैंगओवर तुम सलमान खान से डब करा देते हो, किसी से पूछते हो कोई क्वालिफिकेशन है तुम्हारा? सलमान खान सोनू निगम का गाना गाएगा? कमान यार, ये तुम्हारा नॉलेज है? अगर पापा जिंदा होते तो दो थप्पड़ लगा दे तुम्हें, कमाल करते यार। अच्छे अच्छे सिंगर बेचारे सुरीले घर पे बैठे और सुरीले तुम्हारे सर पे बैठे, होश में आ जाओ भूषण कुमार, ये सब बड़े बड़ी बयान है। और ये जो न्यूज वाले जो छाप रहे हैं तुम्हारे कहने पर, ये तो खुद दोगले हैं। वो जो सुभाष के झा, उसको मैं सुभाष गे झा बोलता हूं, उन्होंने क्या किया? हाँ मीडिया कर मुझे, मेरे बारे में छापता कि मैं सुनील पाल बेवड़ा है। अबे एक दिन दारू को टच नहीं किया, तेरी तरह बेवड़ा नहीं हूं पार्टी में जाके, जिसके दारू पीता उसी के लिए लिख देता है, पागल हो गए तुम लोग सबके सब। नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म कहां से आ गया तुम्हारे अंदर और कब तक रहेगा? याद रखना हर बुराई का अंत होता है। तेरे पापा ने टी सीरीज को खड़ा किया, उसे सम्मान दिलाया, उसकी इज्जत कर। अगर ये बीमार, किस किन किन सिंगर से गवाता है, बीमार सिंगर उसे बीमार सिंगर रिमिक्स काम करने की तो किसी की औकात है नहीं, सब रिमिक्स करते हैं। पुराने जमाने में मुझे याद है 80s में 90s में डॉक्टर कहते थे कि भाई तुम्हारी तबीयत अगर ठीक करनी है तो तुम अपने पेशेंट को अगर कोमा से बाहर निकालना है तो उसे म्यूजिक सुनाओ,
सीरीज का म्यूजिक सुनाओ, टी सीरीज का म्यूजिक सुनाओ। आप बोलते हैं कि भैया आप चाहते हो पेशेंट को ठीक करना हो तो टी सीरीज का म्यूजिक मत सुनाना, पेशेंट तो ठीक नहीं होगा, जो सच अच्छे खासे हैं वो भी कोमा में चले जाएंगे। शर्म करो। सोनू निगम एक गुरु है, एक संत महात्मा है, एक अच्छा सिंगर है, स्पष्ट वक्ता है। यह जरूर है कि वो भगवान नहीं है, इसलिए हर तरह की अच्छाई की उम्मीद से एक ही आदमी से मत करो, अपने अंदर भी झांक कर देखो। मैं इन तमाम 90s के सिंगर्स को, 80s के सिंगर्स को चैलेंज पर करता हूं, प्रणाम करता हूं, और टी सीरीज के गुलशन कुमार को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन क्या सिस्टम, नया नियम बना दिया कि इनके गाने आप प्रोग्राम में नहीं गा सकते, शादी में नहीं गा सकते? अबे कैसे गधे हो क्या बे? दर्शकों से गाने का हक तुम कैसे छीन सकते हो? कलाकारों से गाने का हक तुम कैसे छीन सकते हो? तुम्हारे टीसीज का तो क्या, तुमने भी तो लोगों के गाने चुराए थे, पैसा कमाया था? हाँ, मतलब तुम करो तो रासलीला, उसका करो तो कैरेक्टर ढीला। भूषण कुमार बच्चे हो, बच्चे बने रहो, लाड़ में प्यार मिलता रहेगा। बाप बनने की कोशिश करोगे, बाप मत बनना, बाप तुम नहीं बन पाओगे। और अगर बाप बन गए, ऑल द बेस्ट।